हेलो स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस आज स्टार्ट कर रहे हैं बजट बजट बजटिंग बजटरी कंट्रोल तीन टर्म्स हैं पहले डिस्कस करते हैं बजट बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम एंड इज यूटिलाइज बाय गवर्नमेंट बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स बजट बेसिकली फ्यूचर में क्या रेवेन्यू या एक्सपेंसेस या और कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी होने वाली है उसको हम एस्टिमेट कर लेते हैं पहले से ही ठीक है एक फिक्स्ड फ्यूचर पीरियड में क्या होने वाला है उसको हम पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं ठीक उसको हम क्या बोलते हैं बजट अब नेक्स्ट टर्म आता है बजटिंग द होल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज नोन एज बजटिंग बजट बनाने का जो पूरा प्रोसीजर है उसको हम क्या बोलते हैं बजटिंग नेक्स्ट आता है बजट्री कंट्रोल बजट बना तो लिया अब एक्चुअल परफॉर्मेंस से उसको कम्पेयर करेंगे क्या वेरिएशन आ रहे हैं उसको पता करेंगे और जो वेरिएशन आ रहे हैं उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन लेंगे ये सारा क्या है बजट्री कंट्रोल नाम में ही लिखा है कंट्रोल बजटरी कंट्रोल कंट्रोलिंग करना बजटरी कंट्रोल में क्या आ जाता है बजटरी बजट बज़ित बनाना प्लस कंट्रोलिंग करना बजटरी कंट्रोल में बजट प्लस बजटिंग ये दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं बजटरी कंट्रोल एक वाइडर टर्म है ठीक एक एग्जांपल से आपको बता दी हूँ आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पेश करने जाता है पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने जाता है तो उसके हाथ में एक सूटकेस लगा होता है वो जो सूटकेस लगा है वो क्या है बजट अब बजटिंग क्या है उस सूटकेस को तैयार करने में उस बजट को बनाने में क्या कितनी बड़ी टीम लगी होगी कितना टाइम लगा होगा महीनों का वो सब क्या है वो सारा प्रोसीजर क्या है वो सारा प्रोसेस क्या है बजटिंग और बजटरी कंट्रोल क्या है जब वो बजट बन चुका पेश हो चुका उसके बाद में जब एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उससे उसको कंपेयर किया जाएगा बजटेड परफॉर्मेंस को फिर वेरिएशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं रीजंस फाइंड आउट करना और करेक्टिव एक्शन लेना ये सब क्या है बजट्री कंट्रोल राइट बजट हम पर्सनली भी बनाते हैं हम बहुत हम अनोइंगली बजट को बनाते हैं हमको अगर पॉकेट मनी मिल रही है तो हम हिसाब लगाते हैं नेक्स्ट मंथ हमको पॉकेट मनी मिलने वाली है हजार रुपए और मुझे एक बुक भी लेनी है मुझे एक फ्रेंड की पार्टी में भी जाना है मुझे गिफ्ट भी देना है ये सारी चीजें हम हिसाब लगा लेते हैं तो ये क्या है हम पर्सनल एक बजट बना रहे हैं अननोइंगली हमने इसको बजट का नाम नहीं दिया पर हम वो एक्चुअली बजटिंग ही कर रहे हैं राइट चलिए नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल फर्स्ट है प्लानिंग बजट का मीन ही प्लान है यह हम प्लानिंग ही तो कर रहे हैं बजट बनाना मीन्स प्लानिंग तो बजट बजटरी कंट्रोल में सबसे पहला जो काम है जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कह लो या ऑब्जेक्टिव कह लो वो क्या है प्लानिंग हम सबसे पहले करते हैं प्लानिंग हम बिजनेस के डिफरेंट एक्टिविटीज की प्लानिंग करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज का बजट बना लेते हैं राइट right? नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। बिजनेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम बजट बनाते हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बजट बनते हैं और बिना एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के बिना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन के हम बजट नहीं बना सकते डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बजट नहीं बना सकते सक्सेसफुली बजट नहीं बना सकते उन्हें एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी ही होगी फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बनता है सेल्स बजट जिससे पता चल जाती है सेल्स क्या होने वाली है ठीक सेल्स बजट बनने के बाद बनता है प्रोडक्शन बजट क्योंकि जब हमको सेल्स पता चल गई अब हम उसी हिसाब से प्रोडक्शन कर पाएंगे उतना ही प्रोडक्शन करेंगे सेल होने वाली है 100 यूनिट तो 120 यूनिट का प्रोडक्शन तो नहीं करेंगे ना 80 यूनिट का करेंगे तो हम सेल्स का बजट के हिसाब से ही प्रोडक्शन करेंगे 100 यूनिट्स का और जब प्रोडक्शन बजट बन जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे कि उसमें लेबर कितनी लगने वाली है लेबर बजट मटेरियल कितना लगने वाला है मटेरियल बजट ओवरहेड बजट ठीक है तो ये सारे बजट उसके बाद में बनेंगे तो बिना एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के बिना एक दूसरे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के बजट सक्सेसफुली नहीं बना सकता कोई भी डिपार्टमेंट राइट नेक्स्ट है कंट्रोल बजटरी कंट्रोल का मेन काम ही कंट्रोलिंग है जब बजट बन गया फिर जब एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी तो दोनों को कंपेयर किया जाएगा जो डिफरेंस आ रहा है उसके रीजंस फाइंड आउट करना डिफरेंस क्यों आ रहा है और करेक्टिव एक्शन लेना ही कंट्रोल है राइट नेक्स्ट इज डिफाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स डिफरेंट बजट तो बना लिए सेल्स बजट बन गया प्रोडक्शन बजट बन गया लेबर बजट बन गया मटेरियल बजट बन गया ओवरहेड बजट बन गया पर अब मटेरियल बजट में मान लो डिफरेंस आया तो कौन जिम्मेदार होगा मटेरियल बजट के एक्चुअल परफॉर्मेंस में और जो हमने बजटेड बनाया था फिगर्स दिए थे उसमें डिफरेंस आया तो कौन जिम्मेदार होगा तो ये जो डिफाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ना वो ये है कि इन सारे बजट्स के लिए किसी एग्जीक्यूटिव को रेस्पॉन्सिबल बना देना कि अगर इस बजट में कोई भी वेरिएशन आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस से तो कौन पर्सन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा क्लियर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बजट कम्युनिकेट करता है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को डिफरेंट एम्प्लॉय को किसी भी बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है वो बजट के थ्रू सारे एम्प्लॉज को पता चल जाता है सारे एम्प्लॉयज को पता चल जाता है अच्छा ये बजट है ये टारगेट है कंपनी का ये फुलफिल करना है इस पर हमको एम करना है ठीक है तो कम्युनिकेट करता है ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को टू डिफरेंट एम्प्लॉय राइट नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इवेलुएशन परफॉर्मेंस इवेलुएशन करता ही यह बजटरी कंट्रोल परफॉर्मेंस इवेलुएशन बजट जो बनाया था बजटेड फिगर्स को एक्चुअल फिगर्स से कंपेयर करके परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करता है किस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी रही किस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बेकार रही ये पता चलता है हमको बजटरी कंट्रोल से नेक्स्ट इज मोटिवेशन जब किसी भी डिपार्टमेंट के पास टारगेट्स हैं इम्प्लॉइज के पास टारगेट्स हैं बजट है स्टैंडर्ड है, standard है तो वो ये पता कर सकते हैं कि उनको क्या अचीव करना है क्या उनका टारगेट है तो वो मोटिवेट होते हैं उस स्टैंडर्ड को फुलफिल करने के लिए राइट नेक्स्ट इज इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी जब हमारे पास बजट है हमारे पास सारी चीज़ें रिसोर्सेज अलोकेटेड हैं कि कौन सी रिसोर्स कहाँ यूज होगी तो वेस्ट इग्नोर होता है वेस्ट को एलिमिनेट किया जा सकता है इससे इंक्रीज होती है प्रॉफिटेबिलिटी राइट नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल फर्स्ट इज टूल फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट बजटरी कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा टूल है हमने स्टैंडर्ड बना दिया बजट बना दिए कॉस्ट डिफाइन कर ली कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी अब कोई भी डिपार्टमेंट काम करेगा वो उसके अकॉर्डिंग ही करेगा और कंट्रोल होती है इससे कॉस्ट अगर नहीं भी किया तो एक्चुअल परफॉर्मेंस से जब बजटेड परफॉर्मेंस को बजटेड फिगर्स को कंपेयर किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि कॉस्ट कितनी ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है अल्टीमेटली कंट्रोल होती है कॉस्ट नेक्स्ट है प्रोवाइड या फॉर इवेल्यूएशन ऑफ एक्चुअल बजट से हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं जिससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी रही बेकार रही वो स्टैंडर्ड से ही हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं अगर वो स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ भी हो सकती है ठीक नेक्स्ट इज हेल्प इन बेटर कोआर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स ये जो मैंने अभी बताया था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बिना एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के सक्सेसफुल बजट को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट है हेल्पस इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिफरेंट बजट बन चुके हैं डिफरेंट रिसोर्सेज पता हो चुकी है कि कौन सी रिसोर्स कहाँ कितनी लगेगी तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाता है रिसोर्सेज का सर्व एज ए कम्युनिकेटिंग डिवाइस कम्युनिकेट करता है ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को टू डिफरेंट एम्प्लॉयज़ बजट जब हम बनाते हैं तो सारे एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है कि उनको किस टारगेट को फुलफिल करना है बिजनेस की पॉलिसीज क्या है बिजनेस के टारगेट्स क्या हैं बिजनेस के एम क्या हैं राइट नेक्स्ट है हेल्प्स इन इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी जब हमारे पास बजट है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हम बजट दे चुके हैं डिफरेंट इम्प्लॉयिज़ को पता है कि उन्हें बजट के हिसाब से ही काम करना है तो ऑब्वियसली ऑपरेशनल एफिशियसी इंक्रीज होगी नेक्स्ट है डिफाइंस द एरियाज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिवस जो, जो मैं भी बता चुकी हूँ मैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता चल जाती है किस एग्जीक्यूटिव की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है किस बजट में वेरिएशन आएगा तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा नेक्स्ट है एंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस जब हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास बजट हैं तो वो आराम से काम कर सकते हैं वो इंश्योर करता है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस को नेक्स्ट है क्रिएट्स द हैबिट ऑफ प्लानिंग जब सारे एम्प्लॉयज बजट के हिसाब से ही काम करते हैं तो नोइंगली अनोइंगली वो बजट बनाने के लिए उनके अंदर एक हैबिट आ जाती है वो छोटी चीजों के बजट ऊपर से आए हैं वो तो ठीक है वो छोटी छोटी चीजों के लिए खुद भी बजट बनाने लगते हैं तो उनके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाती है बजट बनाने की राइट right? नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल फर्स्ट इज एक्सपेंसिव प्रोग्राम बजटरी कंट्रोल ओवरऑल जब देखा जाए तो ये एक एक्सपेंसिव प्रोग्राम है और ये छोटी कंपनीज के लिए ठीक नहीं है नेक्स्ट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट की हेल्प तो करता है बजटरी कंट्रोल कंट्रोलिंग करने में पर ये मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई कंपनी सोचे कि चलो मैनेजमेंट को रखते ही नहीं है बजट बन गया अब ये मैनेजमेंट का काम कर देगा तो ऐसा नहीं है मैनेजमेंट का अपने अलग रोल्स हैं बजट तो एक टूल है सिर्फ राइट नेक्स्ट इज नॉट सो यूजफुल इफ इट इज नॉट रिवाइज विथ टाइम अगर हमने एक बजट बनाया और हम उसको बार 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 सेम बजट को यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़फुल नहीं रहेगा क्योंकि कंडीशंस चेंज होती रहती हैं बिजनेस कंडीशंस चेंज होती रहती हैं उसके हिसाब से हमको बजट को रिवाइज करना होगा टाइम टू टाइम राइट नेक्स्ट इज मे नॉट बी एक्यूरेट इन ऑल केसेस बजट अगर हमने एक बजट बना दिया वो ज़रूरी नहीं है सारे केसेस में एक्यूरेट हो जाए बिजनेस पॉलिसीज चेंज होती हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती है बिज़नेस की इंटरनल कंडीशंस कुछ चेंज होती हैं तो बजट ज़रूरी नहीं है सारे केसेस में एक्यूरेट हो नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द बजट एक्यूरेटली अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस बजट हमने बनाया आज हो सकता है कल को इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया लेबर का प्राइस बढ़ गया अदर कॉस्ट के प्राइस बढ़ गए तो क्या होगा इन्फ्लेशनरी कंडीशंस की वजह से बजट एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है नेक्स्ट इज रिक्वायर्स अप्रूवल एंड सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट बजट जब भी हम बनाते हैं तो उसके लिए हमको अप्रूवल चाहिए होता है सपोर्ट चाहिए होता है टॉप मैनेजमेंट से अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्टिव नहीं है तो बजट सक्सेसफुल नहीं हो सकता नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स इज अ डिफिकल्ट टास्क एंड नहीं है ये इज अ डिफिकल्ट टास्क डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना ये डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेट बैठाना कोऑर्डिनेशन बैठाना ये थोड़ा टफ टास्क है राइट नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ बजटरी कंट्रोल बजटरी कंट्रोल करने के स्टेप्स क्या हैं फर्स्ट स्टेप है

बजटेड परफॉर्मेंस को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा और उसमें कुछ वेरिएशंस हैं तो उसको फाइंड आउट किया जाएगा नेक्स्ट है असरटेनमेंट ऑफ द रीजन्स फॉर सच वेरिएशंस एंड टेकिंग सूटेबल रेमेडियल एक्शन डिफरेंस पता चलता है जब वेरिएशंस पता चलते हैं तो उसके लिए अगर एडवर्स वेरिएशंस हैं तो उसके लिए रेमेडियल एक्शन भी लिए जाते हैं नेक्स्ट इज रिविजन ऑफ प्लान और बजट इन द लाइट ऑफ चेंज सकमस्टेंसेज जैसे मैंने बताया बिजनेस कंडीशन चेंज होती रहती हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं तो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज के लिए चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज के लिए रिविजन ऑफ बजट भी जरूरी है राइट नेक्स्ट है टाइप ऑफ बजट फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड फर्स्ट इज लॉन्ग लॉन्ग टर्म बजट लॉन्ग टर्म बजट मोस्टली मोर देन वन ईयर के लिए होता है लॉन्ग टर्म बजट वन ईयर से ज़्यादा के लिए है फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट शॉर्ट टर्म बजट वन ईयर से कम के लिए है करंट बजट अच्छा शॉर्ट टर्म बजट जो हम यूजली बजट बनाते हैं सेल्स बजट प्रोडक्शन बजट कैश बजट करंट बजट क्या है करंट बजट जो हम किसी भी इमीडिएट कंडीशन के हिसाब से बनाते हैं ये वन मंथ का भी हो सकता है फिफ्टीन डेज का भी हो सकता है टू मंथ्स का भी हो सकता है वो क्या है करेंट बजट नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर है फिक्स बजट और नेक्स्ट है फ्लेक्सीबल बजट फिक्स बजट एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है फ्लेक्सिबल बजट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाए जाते हैं इसका मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा इसका यूजली न्यूमेरिकल आ जाता है फ्लेक्सिबल बजट मान लेते हैं प्रोडक्शन 80 यूनिट्स का है तो हम 80 यूनिट्स का तो बनाएंगे ही एस्टिमेशन मान लेते हैं 80 यूनिट्स है अब हम फ्लेक्सिबल बजट में 100 यूनिट्स के लिए भी बजट बनाएंगे हम 120 यूनिट्स के लिए भी बजट बनाएंगे ठीक है अब इन इतनी यूनिट्स पर क्या वेरिएबल कॉस्ट होगी क्या सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी क्या फिक्स कॉस्ट होगी ये सब हम डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए लिखेंगे ठीक है ये कौन सा हो गया फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स बजट में क्या होगा फिक्स बजट में हम कोई एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बजट बनाएंगे ठीक मान लेते हैं हंड्रेड यूनिट्स तो हंड्रेड यूनिट्स के लिए ही बजट बनेगा एट्टी यूनिट्स और वन ट्वेंटी नहीं बनेगा राइट right? नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस फंक्शंस के बेसिस पर बजट डिवाइड होते हैं थ्री पार्ट्स में ऑपरेटिंग बजट जो ऑपरेशन से रिलेटेड है बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है नेक्स्ट है फाइनेंशियल बजट फिर है मास्टर बजट फाइनेंशियल बजट क्या है जो फाइनेंस से रिलेटेड है कैश कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कैश बजट क्या है कैश की रिसीट कितनी होगी receipt, कितना कैश आएगा फ्यूचर में और कितना कैश पेमेंट होगा फ्यूचर में और हमें यह भी आइडिया लग जाता है कैश बजट से कि फ्यूचर में हमको कैश की शॉर्टेज होने वाली है या कैश का सरप्लस होने वाला है नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट से हमको ये पता चलता है फ्यूचर में फिक्स्ड असेट को परचेज करने के लिए कितना पैसा लगेगा सेट फॉर एग्जाम्पल प्लांट मशीनरी बिल्डिंग इक्विपमेंट राइट अब एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कॉन्सोलिडेटेड समरी बना लेते हैं उसको हम बोलते हैं मास्टर बजट ठीक अब आते हैं ऑपरेटिंग बजटरेटिंग बजट में फर्स्ट है cost कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमको पता है मटेरियल लेबर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्लांट यूटिलाइजेशन बजट ये भी दी हूँ डायरेक्ट मटेरियल बजट में हम मटेरियल कितना लगने वाला है हमको लेबर बजट में हमको अपना प्रोडक्शन जितना हमने सोचा है जो बजटेड प्रोडक्शन है उसको प्रोडक्शन को करने में कितनी लेबर लगने वाली है कितने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगने वाले हैं आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बजट में इसमें हम डिवाइड कर देंगे सेमी वेरिएबल वेरिएबल एंड फिक्स फिक्स एक्सपेंसेस में ठीक फिर आता है प्लांट यूटिलाइजेशन बजट जो हमने प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रखा है जो बजटेड प्रोडक्शन है उसको करने में प्लांट की कितनी कैपेसिटी लगेगी ये है प्लांट यूटिलाइजेशन बजट नेक्स्ट यहाँ आता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट कितनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगेगी सेम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी लगेगी जितना हम प्रोडक्शन करने वाले हैं उसके ऊपर फिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है राइट चलिए आई होप आपके वीडियो समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय